अदरार अभी तक सो रहा है, उसका इतना बड़ा रास्ता है क्या? कौन से मॉर्निंग आ रही है? अच्छा लेट नाइट शो में आ रहा है उसको। हाँ मुझे उसको लग रहा है कि निदा जो है वो वसीम मदानी की जगह शो कर रही है। ये कैसे उठता था फिर वहाँ पे? वो बाजे बजते होंगे ना कुछ, ये पानी फेंकते होंगे कुछ ना कुछ। वॉशरूम में जाके सोता था तभी इतना टाइम वॉशरूम में वो रहता था। अदनान आ गए, सीधी सी बात है कि देखो विल वर्ल्ड से जाने पर आप बिल्कुल बात कर रहे हैं। मेरे तो खुशी से ढोल बज रहा है, मेरा मेरा दिल का ढोल बज रहा है। अच्छा चलो अदनान है, अब किसकी बारी? अच्छा अदनान अभी हो ही रहा है। हाँ जी, यू वांट टू बी जो भी यहाँ कंटेस्टेंट्स बैठे हुए हैं वो लोग बता रहे हैं कि इन ये इन लोगों में किस किस्म की चालाकी है। सही है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिलवा देती हूँ, फिर आप आइएगा इस कुर्सी पे। चलो मिशेल मतलब आते के साथ ही लड़वा रहे हैं। हाँ। मतलब जो हफ्ते हम लोगों को सुकून मिला है कर चुके हैं मेरे प्रोग्राम के, नहीं आए लेट पहुंचे। ओके ओके, तो चलो मिशेल तुम अदनान से ही शुरू करो, ये कितना चालाक है। अदनान ना स्टार्टिंग में मुझे ना बहुत डम लगता था, लेकिन फिर मुझे पता चला ये इतना चालाक है कि ये सबसे ना उनकी बातें पूछ लेते हैं और ये कहीं ना कहीं सबके वीक पॉइंट ढूंढ रहा होता है बातों बातों से। लगता था कि ये आपसे ना बात कर रहे हैं कि आपका अच्छा टाइम पास हो जाए, लेकिन मुझे बाद में समझ में आई, मैंने कहा ही इज नॉट डम ही इज स्मार्ट। अदनान ये लोग कह रहे थे कि तुम सबसे ज्यादा टाइम बाथरूम में लगाते थे, और ये कह रहे हैं कि हमारा हम सोच रहे ये जाके वहां सो जाता था। ऐसा है? नहीं, मैं नहीं सोता था, कसम से कुछ और लोग सो रहे थे, लेकिन हाँ। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को थोड़ी सी सिकनेस हो गई थी। हाँ। तो उमर को भी इंजेक्शन लगा, जुनैद को भी। सिकनेस क्यों हो गई थी? कुछ ना कुछ हो गया, क्योंकि टेंपरेचर अंदर बहुत ठंडा होता था, कांस्टेंटली एक एनवायरनमेंट में सनलाइट नहीं मिल रही, विटामिन डी नहीं मिल रही, आपको और रात का जो सी लेकर आए दाल सब्जियों पे जिंदा है, मतलब दाल सब्जियां तो अच्छी है सेहत के लिए, लेकिन यू नीड प्रोटीन एज वेल स्पेशली लाइक। और वहां फूड और वो बहुत वेल फूड डिलीवरी भी नहीं होती ना जो कांस्टेंटली करते हैं, इस वजह से इतने बॉडी बिल्डर्स हैं उनको वीकनेस ज्यादा हो रही थी। अच्छा, बाकी हम लोग सब सरवाइव कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को ज्यादा खाना हाँ, चाहिए होता है। हाँ, और उन लोगों को जब वो जो भी सिकनेस हुई इंजेक्शन लगे हाँ, दो तीन दफा ऐसा हुआ, और वो उमर तो बेचारा बाकायदा एंड दिस इज आफ्टर यू लेफ्ट, वो और भी डाउन हुआ था, इमोशनली मेंटली डाउन हुआ था। एंड आई रिमेंबर ही वाज इन इन द इन दैट एरिया ऑफ द बाथरूम द ओपन एयर एरिया, और वो लाइक लिटरली मैं उसको जाके फिर पूछ रहा था, गार्डन में सो जाता था। हम लोग एक्चुअली हम लोग बाथरूम में इसलिए जाते थे बिकॉज वो एक जगह थी जहाँ पर हमें लगता था हम टीवी शो पर नहीं है, सेफ स्पेस, जो रियलिटी शो नहीं होता जहाँ पर के बाहर आप जाए तो 12-14 कंटेस्टेंट्स, इतनी आर्ग्यूमेंट चल रही है छोटी सी चीज़ों पर, वहाँ पर हमको ऐसे लगता था एकदम से हम लोग वहाँ एंटर होते थे माइक्स ऑफ नो कैमरा एंड हर को एकदम से धीमा हो जाता करनी थी वो तो वैसे भी आउट इन दी ओपन भी कर रहे थे, वो गार्डन हो या चाहे वो कॉर्नर है जहाँ पर भी काफी लड़कियां तो गॉसिप करती थी वहाँ बैठ के, वो एक जगह थी। हाँ, वो गॉसिप भी वहाँ हो सकती है, वो प्लानिंग जगह भी थी, बट मोर देन एनीथिंग हम लोगों ने इतने गाने वहाँ पे गाए हैं जितना कि मेन फ्लोर पे नहीं गाए हैं लिटरली। और हम पांच होते थे वहाँ पे, हमारा हैंग आउट था वो उमर जुनैद मी दानिश अली, हम पांच होते थे जो कि चार चार घंटे वो किधर था फैजान में, मैं और फैजान हम नहीं करते थे, बेसिकली बता रहा हूं, तो बेसिकली स्मोकिंग होता है उसके बाद रूम बनाना कि टू एट अ टाइम, अब पता नहीं आप मैं और फैजान कर रहे थे तो लोग नहीं जाते थे, नहीं कोई कट नहीं होगा, लाइव जा रहा है, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूं, इसलिए हम टू टू भी नहीं लगा सकते अदनान, तो जरा ख्याल रखना, तो मैं मेंशन ना करूं, टू टू लग जाता है मुझे, अभी पता चला पांच लोग एक टाइम पे बात हो रहे हैं। हां जी, आप कौन सी दुनिया में, अक्सर गुस्सा करती थी मैं, कहती थी यार बाहर आके गाने गा लो, बस इन अनदर zone yeah. and by the way so sorry yaar, so sorry wo asal mein wo jo balti hai na wo itni halki hai, maine uthaya maine kaha ye kyun galti balti udi, maine aaj sir ha balti ki galti thi, wo itni halki balti, maine kaha beta niche aa jao please niche aa jao, maine isko yun kiya sirf,
और वो उड़ते हुए अक्रॉस द वेयरहाउस अंबर जी के साइड पे, मैं कहा प्लीज गिर जा और उनके साइड पे उड़ती जा रही है बाल्टी। अच्छा चलो भाई अब अदनान की बात, अदनान जाओ। हां प्लीज ओ गॉड, अब थोड़ा स्क्रीन टाइम ले लो। अच्छा क्या करना है? हां सबकी एक एक चलाकी बता दो कि ये क्यों चला के, ये क्या चला के। नेगेटिव पॉइंट्स हम पूछ रहे हैं ना। नेगेटिव पॉइंट्स एक्चुअली ऑनेस्टली अंबर जी का कोई चलाकी नहीं है। किसकी अंबर जी में चलाकी नहीं है? तो ये मैं ऑनेस्टली स्ट्रेट जवाब दे सकता हूँ कि शिरज ने आप चलाकी। वो ये है कि यस वो जब अच्छा भी बोल रही होती है ना, गुस्से में नहीं बोल रही होती, उनको उनकी आवाज समटाइम्स ऐसे लगती है जैसे कि वो गुस्से में बोल रही है। हाँ, उनकी आवाज यूं करके शिल एडी नो मिशेल तुम ये ना करो वो ना करो। अच्छा अच्छा एवरीवन रिलैक्स। अच्छा वो जब रिलैक्स कहती थी ना उनकी आवाज ऐसे लगती थी कि लोग और एजिटेटेड हैं समटाइम्स, बट वो शी मींस ऑल वेल, सो देयर इज नो चलाकी। हां क्योंकि मेरी आवाज ऐसी थी, इतना शो में क्या सुनो यार, सुन लो प्लीज ये वाला, बाकी तो और कुछ नहीं। बिल्कुल एब्सोल्युटली नो चलाकी। राने पे तो पूरा दिन एक्चुअली राने आई कुड टेल। अब राने बाय द वे जो लोग देख रहे हैं और वो उनको होगा कि इन दोनों की बहुत अनबन हुई है अ फ्यू टाइम्स, बहुत अनबन नहीं। मैं और राने 9 साल से बाय द वे दूसरे के नाम से, ये फॉर एनीवन हु डिड नॉट नो, 9 साल और हम लोगों ने बहुत पार्टी की है और हम लोग लेकिन ज्यादा हमारी इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई थी कि मुझे पता हो कि राने की ये वाली साइड थी। तो बाहर निकल छुरा लेके तो नहीं भागे इसके पीछे आपके? और राने को भी नहीं पता होगा कि मेरी अग्रेसिव साइड भी है, मैं इतना गुस्सा कर सकता हूँ बिकॉज हम लोग जब मिलते हैं तो हम लोग पार्टी पे। हाँ तो नादिया कुछ नहीं बताती थी तुम्हें अदनान के बारे में? नहीं और वो बताएगी भी तो ये शायद बिलीव ना करे बिकॉज लाइक यार ये तो पार्टीज पे मिलता है हम लोग अच्छे मूड में होता है आप लोग, और हम 9 साल से 100 मर्तबा मिल चुके हैं। yes. लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि एकदम से क्योंकि आपने राणा का अलग रूप देखा, राणा ने आपका अलग रूप देखा। मैंने वन थिंग दैट आई डिड रॉन्ग इन द होल शो इज कि मैंने इंडिविजुअली जाके लोगों से कोई गपशप नहीं लगाई। अब यस कि क्या मैं एकदम से लोगों का नई साइड देख रहा हूं? मोस्ट हमारे ग्रुप में वो जो हमारा 5 बॉयज का ग्रुप था और स्टार्टिंग में मेरे साथ भी बात थी, मैं से हार्डली बात मेरे दादा से इतनी बात नहीं थी, मुझे जाने से ज्यादा बात नहीं थी। हां मैं कह ये तो हर एक कहते थे। अच्छा आप बताएं अगर ये आप क्या करते हैं ये लाइक काइंड ऑफ इंटरव्यू? अच्छा वो तो बताओ जो मैंने सवाल। अच्छा नहीं हां की क्या बात? अच्छा नहीं सारी तमाशागर बन गया नहीं क्योंकि हां ये मेरा शो हफ्तों नहीं चलने वाला, खत्म हो जाएगा अभी। राणा जो यस उसका मेन प्रॉब्लम ये था कि वो ही वांटेड तमाशा ना ना, मैं गेस कर रहा था कि क्या राणा ये तमाशा के लिए कर रहा है या ये वाकई में इस किस्म का है, और मुझे था कि इसके अंदर हल्की सी एक स्ट्रीक है दैट ही वांट्स लाइक यू नो एक्शन ऑल द टाइम बिकॉज़ उसकी पर्सनालिटी से लगता है, बट उसके फेसबुक से या जब भी मैं उसके उससे मिला हूं वो इस किस्म का बिल्कुल नहीं है। तो आई वाज लाइक शॉक कि यार इसको हो क्या गया एकदम से। सो दैट्स द ओनली थिंग, राणा को सिर्फ और सिर्फ मस्ती चाहिए। अभी तक बातें बहुत करता है। हां टोटली मैं बातें बहुत कर रही हूं। मेरी बात करती है मैं सोच रही हूं यार ऐसे को रात का कोई शो निकालना प्लीज, द एडी शो है ना, एडी शो ना मतलब ही कैन टॉक नॉन स्टॉप क्योंकि लेकिन मैंने लेकिन मेरी स्क्रीन पे कुछ आया ही नहीं। तमाशा 3 में इनको दोबारा और इस दफा तक रहेंगे, इस दफा मैं ऐसी प्लानिंग करके आया हूँ। अच्छा बहुत बहुत मैंने बहुत एक्चुअली निकलने के बाद समझ आया कि हमें कैसे खेलना है। हम सबके सबको बस सबसे प्यार मोहब्बत से रहना है सबको नहीं, बहुत कुछ ऐसे लोग हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि 10वीं दफा तमाशा कर रहे हैं। जुनैद इज लाइक ही नोज फैजान, वो फैजान को तो लगता है आदीन है और काफी टीम मेंबर्स ने भी जो मैनेजमेंट है उन्होंने उसको बिठा के समझाया कि बेटा इस तरह से करते हैं। फैजान तो बहुत ही चलाक चल, मुझे भी ब्रेक पे नहीं जाने देगा ये, हमने यही नहीं करना था।
well, actually, Tamasha, we are live on with Nida Yasser on Good Morning Pakistan on ARY, और हम लोग अभी ब्रेक पे जा रहे हैं. सॉरी फॉर द इंग्लिश, मैं भूल गया कि हमने सिर्फ उर्दू में बोलना है. अभी भी तमाशा घर के रूल्स चल रहे हैं, तो वापस आइएगा. अंबर जी हैं, निदा जी हैं, वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स. मैं होस्ट हूँ आज के लिए, आज सुबह के लिए. इनकी ब्रेक हो रही है, यहाँ पे मिशेल है, ज़ैनब है, राना है. वी गोना हैव अ प्रीमियर, वी गोना रीलिव तमाशा. तो आप लोग को बेसिकली देखते रहिए. गुड मॉर्निंग. मेरा भी फेवरेट. ये जीतना रिजर्व नहीं कर. आई थिंक नेहा जेल में रह सकती है, लेकिन और किसको जेल भेजे? जेल तोड़ देगी. लोहे का जेल भी बना दो. नेहा की फेवरेट जगह है जेल. हाँ, लेकिन और किसको जेल भेजे? कंपनी भेज दो, कंपनी. अरे किसको? नताशा जी. चलो नताशा जी. अच्छा, नेहा को जेल भेजने का फायदा नहीं है. ज़ैनब, ज़ैनब, नेहा जो अपनी ज़बान से ही जेल के बार्स काट देगी, कुछ भी हो जाए तो उसको जेल भेजने का फायदा नहीं. चलो, चाहे वो टाइटेनियम के बार्स के ना, वो ज़बान से. देखिए, ये वाली तो टाप के निकल जाएगी, तो ये वैसे ही एग्जैक्टली दीवार फलांगेगी. आप मेरा नताशा को जेल में भेजना तो नहीं चाहूंगी. बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है तो, मगर लाउड बहुत हो जाती है, काफी बहुत. अब मैं बादशाह सलामत बनूंगा. अंबर जी, आप बस नाम लीजिए, आप बस नाम लीजिए. अंबर जी, हमें समझ आ गया. हमें समझ नहीं चाहिए. आ रही कि पड़ोसी शिकायत क्यों कर रहे थे कि बहुत आवाजें आती हैं. हां, ओके, वेरी इजी. दिस इज हाउ इजी इट रूबा. सबसे पहले, यू लव बीइंग हियर. आई नो यू लव बीइंग हियर. फैजान ने बहुत बहुत अपनी कहानी होगी. उमर इज द मोस्ट डिजर्विंग. सबसे जो सबसे नाइसेस्ट बंदा जो है, जिसकी एक्चुअली आयरॉनिकली पहली टास्क में मेरी और बाय द वे उमर की एक अनबन हुई थी, बट ही वाज द वन जिसने के सबसे पहले जो है आके मुझे लाइक यू नो ही क्लियर्ड एवरीथिंग आउट. नाउ वाज आई, तो बहुत अच्छा बंदा, सबसे एंटरटेनिंग, सबसे काम. जबकि अगर लड़ाई पे हो तो वो पूरा घर एक साइड पे, उमर एक साइड पे, सबको जो ना वो मक्खन बना देगा. लेकिन अंबर जी आप आ जाए, आप पस मंजर दे दें. अंबर जी, नताशा जरूर खड़ी होगी. अच्छा, मैं अगर मैं बादशाह सलामत, अगर मैं बादशाह सलामत होता हूँ खराब कर देती है. देखें, देखें, बादशाह का नाम भी अदनान है, मेरा नाम भी अदनान है, तो कहीं ना कहीं से तासरात होंगे ना कहीं. अच्छा, तो उमर इज द बेस्ट गाय. नताशा, बिकॉज वो जो हैं एब्सोल्युटली द मोस्ट रियल. जो जहाँ पर कोई उन्होंने, ठीक है वो बहुत ऊंचा बोलती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा समटाइम्स, जो कि उससे भी इच्छा होती है, लेकिन नताशा इज़ एब्सोल्युटली द रियलेस्ट पर्सन. नहीं, आई वुडन्ट से द ओनली रियल पर्सन, बहुत सारे और हैं, लेकिन अमंग्स द मोस्ट रियल पीपल दैट देयर आर. यू मिशेल भी, नहीं मिशेल भी, हाँ मिशेल, बट शी इज़ आउट नाउ. अब वो ऑप्शन नहीं है. नहीं, और जितना वो हक के लिए लड़ती है, सच के लिए लड़ती है, एंड शी इज नॉट स्केयर्ड टू. जो वो हरकतें हुई बिकॉज ऑफ द ग्रुपिंग, एंड आई थिंक फैजान हैज अ पार्ट टू प्ले इन दैट. कमिंग टू फैजान, बहुत उसने पॉलिटिक्स खेली है, बहुत लोगों के दिल दुखाए, दिमाग के साथ खेला. वो फैजान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सियासत, पॉलिटिक्स, डिस्कशन, रिवेंज, फटा डिस्कशन. एक बात है, नताशा की वजारत में मैंने देखा, जो घर बैठ के नताशा सब पे हावी थी,
किसी की उफ नहीं निकली नताशा, मेरा गला ज्यादा खराब था। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द नाटक की, कहा था कि अगर उसका कोई फैसला नहीं मानेगा तो मैं आऊंगा। हम बताते बादशाह सलामत, और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस पे आ रहा था कि ये तीन टाइम की नताशा ने जाहिर सी अपने गिफ्ट के अंदर इस पर डाल दिए बर्तन, बर्तन के साथ प्लेटें भी धोएगा, यू नो, बट इट रिफ्लेक्टेड वेल ऑन हिम। सबसे ज्यादा दुख अंबर को तुम्हारे बर्तन धोने में, और ये बोल नहीं रहा, और वो भी तीन टाइम। अच्छा चुपचाप मैं नहीं, I think कि जितना रोला राणे ने मचाया ना, तो उसके लिए ही deserves that. He deserves to be the dish model for 3-4 days. जितना रोला उसने किया, a week. अच्छा a week. A week. और फिर उसने अपने आप को redeem कर लिया ना, उसने अपने आप को clear कर लिया public के सामने कि मुझे भी तरस आने लग गया। बस यार बाकी सबके हो गए ना। अच्छा और and Neha because अच्छा by the way बता भी रहे। By the way, do you know until last week? आपको एक shocking बात नहीं, आपको एक शॉकिंग बात बताऊं क्या? जब मैं आउट हुआ हूं टिल वन वीक, मैं एक्चुअली चाह रहा था कि नेहा जीते। अच्छा एक सवाल मुझे करना है, नेहा जो है वो एक विक्टिम थी, लेकिन मैंने जितना और देखना शुरू किया, अच्छा फिर वीक फोर में जहाँ ग्रुपिंग हो गई थी, नेहा एकदम से धीमी हो गई, एकदम से। वो नेहा का वेकेशन पीरियड था, मैंने कहा नेहा नताशा की वजह। अच्छा मैं समझा कि शायद मैं गया हूँ तो नेहा जो है स्वीट हो गई, लेकिन नहीं, शी इज बैक टू हर सेल्फ। रोको मुझे, मुझे रोको, मुझे तो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, अल्लाह की कसम, कैमरा इधर फिक्स कर दे, इधर से हिलना नहीं। नताशा की वजह मेरा सारा एयर टाइम बेचारा देख के आया है ना, आप करो करो, प्यास और भूख देख के अंदर कुछ अंबर जी आप सारा मेरा स्क्रीन टाइम। अगर मैं किसी भी सेलिब्रिटी को आपको चूज करने को दूं कि तमाशा में उसको डालें आप, बड़ा मजा आएगा, तो आप बताएं कौन? नादिया हुसैन, तबाही 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 हो जाएगी, लेकिन मैं उसको एडवाइस करूंगा ना जाए। उसके बच्चों को तुम्हें बेबीसिट करना पड़ेगा, सोच लो तुम्हारे ऊपर कब छोड़ जाएंगे वो बच्चे। देयर द बेस्ट, नादिया जो है शी इज अ टेरर। ओके शी इज अ टेरर, शी विल बी नताशा एंड रुबा एंड नेहा कंबाइंड इफ शी वांट्स टू बी। तुम जरा तुमने चूज किसको किया? टाइम लोगे बहन, टाइम खत्म हो रहा है, चलो जब तक तुम दोनों सोच रहे हो मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ अदनान खास। मेरी बारी सबसे एंड में है, तो क्या कर तुम देर से हमारे लिए तो सबको बराबर। अच्छा अदनान याद ही नहीं लड़ा, तुम्हारे जो ऑडियंस है तुम उनको क्या कहोगे कि इन सब में से किसी एक को वोट करें? उमर, उमर को वोट करें, सारे दानिश, उमर शहजाद, जुनेद, फैजान, मैं भूल गया, उमर, मैं भूल गया सवाल क्या था, मैंने कुछ नहीं, आई एम बीइंग अंबर जी, अंबर जी आपके 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 अच्छे से इसी तरह तमाशा घर देखते रहिए। अदनान क्या हो गया, थोड़ी देर वेट तो कर लो। आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूं जो कि मैं चाहता हूं, एक पेंटिंग मैंने बनाई है जो कि मैं चाहता हूं आपको गिफ्ट करूं, और वो जिससे पहले के शो खत्म हो। गाड़ी में तो नहीं छोड़ा है? नहीं नहीं नहीं, वो गाड़ी से, वो पता क्यों डिले हुआ था, गाड़ी से वो छत से उड़ गई थी, वो हम लोग की स्पीड में जा रहे थे, वो छत से उड़ गई, तो हम लोग सीवीयू की सड़क पे, मैं और ड्राइवर जो है उसको वापस नहीं, उसके अलावा दूसरी वाली निदा, दूसरी वाली जो है वो निदा जी के लिए, तो ये गाड़ी उसको छुपा के, उसको छुपा के, उसको छुपा के लाए, इसकी रिवील होना चाहिए। हां एक सेकंड, क्या कितनी अच्छी पेंटिंग है, मैं बता रहा था ये पेंटिंग, ये देखिए सो नाइस, ये निदा जी के लिए है। अदनान ब्यूटीफुल यार, क्या बात है, और दूसरी वाली भी ले आए जो कि गाड़ी पे जो कि क्रैक हो गई, और वो है वो तमाशा टीम के लिए जो कि हम में से हर कोई साइन करेगा, वेरी नाइस, जो विन करेगा ये, नहीं नहीं ये तमाशा टीम के लिए, तमाशा टीम के लिए, यानी उनके तो ये भाई के रूप में ये उनके ऑफिस में लग जाएगी, और मैं चाहूंगा कि हर कोई उसको साइन करे। तो मैं, तो तुमने तमाशा से निकल के सबसे पहले यही काम किए? नहीं ये मैंने एक्चुअली या तमाशा से पहले ही बना, बहुत अच्छे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत आप लोगों ने एंटरटेन किया व्यूअर्स को तमाशा घर में रह के, और आप लोगों की वजह से बहुत सारे और सेलिब्रिटीज ये सोचे बैठे अगली दफा हम जाएंगे
सो जैसे जो फीडबैक मुझे बाहर के लोगों से मिली वो ये मिली कि जैसे जैसे तमाशा घर और जैसे सीजन टू आया और ज्यादा बेहतर होता जा रहा है और मजा आता जा रहा है और ज्यादा उसकी एक्टिविटीज जो है वो इंगेजिंग है. सो बेस्ट ऑफ लक जो वहाँ पे हैं अंदर मौजूद. और आप लोगों का भी क्योंकि माशाल्लाह इस दफ़ा रेटिंग्स भी बहुत ज़्यादा और बेहतर आई, बहुत अच्छी आई और लोगों ने इस दफ़ा और भी ज़्यादा पसंद किया. सो आप लोगों को मुबारक. जितने भी दिन रहे आप लोग अच्छा तमाशा दिखाया. आप देखिए ये चीज के कोई और चैनल कॉपी नहीं कर सकता, मगर इस लेवल का नहीं कर सकता जो ARY ने. सो ऑडियंस आप लोग वोट करें अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को तमाशा घर में और उन्हें जितवाइए. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ.